हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस लॉकडाउन को बिताते रहिए और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहिए। तो स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आप जानते थे कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा था और इसके दौरान मैं आपको यूज ऑफ यूज़र मुआजवर हैव शैल बी विल बी और इंट्रोडक्टरी देयर और भी मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि अब वो दिन आ चुका है आपको टेंस बताने का, क्योंकि बिना टेंस का ना आप नरेशन बना पाओगे ना आप वॉइस कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में, माध्यमिक एग्जाम में या एचएस के एग्जाम में काफी हेल्प करता है आपको नंबर उठाने में। तो आपको नरेशन और वॉइस तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को करने से पहले आपको टेंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं टेंस आपको हिंदी माध्यम से इस तरह पढ़ा दूंगा और आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है हमारे चैनल से, क्योंकि मैं यहाँ से टेंस को शुरू करूंगा, प्रत्येक टेंस को सोल्व करूंगा, आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपको होमवर्क भी करने के लिए दूंगा। तो अभी भी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि देखिए एक चैनल आ गया है जो आपको टेंस पढ़ाएगा पूरे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद नरेशन और वॉइस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले हम जानेंगे कि जो टेंस होता है, टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखो बच्चों, आप इसे कॉपी पे तो अपने नोट डाउन करोगे ही, लेकिन ये स्पेलिंग ध्यान से देखकर नोट डाउन कीजिएगा। प्रेजेंट पी आर ई एस ई एन टी टेंस टी एन ए सी, पास्ट पी ए एस टी टी एन ए सी टेंस, एफ यू टी यू आर ई, देखिए फ्यूचर एफ यू टी यू आर ई टी एन ए सी टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग आज जानते हैं। देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही नहीं, जो भी मैंने इसके पहले तीन टेंस बताया, प्रेजेंट टेंस, आपका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उन तीनों का चार चार भागों में चार चार भेद होते हैं, उसमें डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस का चार भाग में पहला भाग का नाम क्या है कि प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, आप स्पेलिंग ध्यान से उतारिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है स्पेलिंग भूल लिखते हैं। मैंने तो बोर्ड पे सही लिखता हूँ लेकिन वो लोग भूल लिखते हैं। यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक लिखते हो तो आपका इंग्लिश कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मिस्टेक लिखते हो तो आपका वो इंग्लिश सही हो ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले अपने इंग्लिश, अपने जो स्पेलिंग लिख रहे हो उसको ध्यान से देखना होगा कि आप कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हो, कोई भी वर्ड का स्पेलिंग लिख रहे हो तो सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो। तो जैसे यहाँ पर आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट पी आर ई एस ई एन टी इनडिफिनिट आई एन डी ई एफ आई एन आई टी प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस टी एन एस टी, ठीक है। यदि मेरा आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन भी कर दे रहा हूँ। और प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा कि आप स्पेलिंग पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, एस आई एन पी एल ई सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। और दो नंबर में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग बहुत ही टफ है। मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इस स्पेलिंग को गलत बताते हैं कंटिन्यूअस। देखिए इसका स्पेलिंग सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस कंटिन्यूअस टेंस, इसको और एक नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट यानी आई एन पी ई आर एफ ई सी टी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका एक दूसरा नाम है। और तीन नंबर हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट का स्पेलिंग पी ई आर एफ ई सी टी परफेक्ट टेंस। उसके बाद चार नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट और ये जो आ गया इधर का कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको तो इन चारों
जो भाग है प्रेजेंट टेंस को, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करके इसे लर्न करना होगा, इसे याद करना होगा, ठीक है। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। इसी तरह हर एक टेंस को मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यदि आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानना है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप कमेंट में जरूर बोलोगे कि सर आप टेंस की अगली वीडियो बनाइए, तो मैं वो आपका वीडियो जरूर बनाऊंगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना है। आप अभी करोगे क्या कि इसको अपने कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन करके स्पेलिंग लर्न करोगे, याद करोगे कि कोई भी स्पेलिंग आपका मिस्टेक ना हो लिखते समय, क्योंकि यदि आप एक स्पेलिंग गलत लिखते हो तो आपका इंग्लिश भी वहीं पे गलत हो गया। भले ही आपको रूल या रेगुलेशन आप जितने भी सही से आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करके लिखे हो, स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका स्पेलिंग कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये जो मैंने टेंस के बारे में लिखवाया, प्रेजेंट टेंस का चार भाग लिखवाया, आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके जरूर लर्न कीजिएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप मेरे साथ टेंस पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए येस और नो। येस का मतलब आप चाहते हैं, नो का मतलब आप नहीं चाहते हैं। कमेंट मैं देखकर इसके बाद मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।